لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके जी, सो आज मदीना में आखिरी दिन है और इस ट्रिप का कह लो कि आखिरी दिन है। आज हमने यहाँ से मदीना एयरपोर्ट से इस्लामाबाद जाना है। बस जो है मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, अभी थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, अभी असर के बाद की टाइम है एक तरह का। सो अभी इफ्तारी वगैरह लेके जा रहे हैं, सो आज हम इफ्तारी करेंगे आखिरी और फिर पैकिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर एयरपोर्ट जाएंगे, फिर आपको मदीना एयरपोर्ट दिखाएंगे और इस तरह पूरा। अभी हम आए हैं अलबेग पे और यहाँ से कुछ सामान सामान लेके फिर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इफ्तारी हो गई है और पीछे आप देख सकते हैं इफ्तारियाँ हो रही हैं, सारे लोग कर रहे हैं और अभी यहाँ से इफ्तारी करेंगे और जाके सामान सामान पैक करेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, इशा की नमाज़ पढ़ ली है और ये आखिरी तरावियाँ हो रही हैं। अभी हम तरावियाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, 10:15 बजे तक हमें निकल जाना है तो एयरपोर्ट जाना टाइम पे ज़रूरी है। तो इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब जाएंगे रोज़ा रसूल आखिरी दिन सलाम पेश करेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح تنا हेलो जी, मैंने कहा आपको अपने होटल का भी थोड़ा बता दूँ। ये यहाँ से मस्जिद नबी का एग्ज़िट है और एंट्रेंस है, ये जन्नतुल बकी है और ये सामने जो नाच चाहिए हमारा होटल। ओके जी, एयरपोर्ट आ चुके हैं और यहाँ पे PIE के एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी का कोई भी बिजनेस लाउंज नहीं है, किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, पता किया मदीना में। सो नॉर्मल एरिया जो होता है वहीं भी बैठे हुए हैं और अभी 1:30 बज गया, 1:50 पे जो है वो इंशाल्लाह जा उठ जाना है। जो डिले की इसकी कॉल आई तो नहीं है लेकिन अभी तक बोर्डिंग शुरू भी नहीं हुई, तो देखते क्या बनता है, अभी तो वेट कर रहे और जाके देखते। अच्छा जी, अभी मैंने पता किया तो वो कह रहे हैं कि 25 मिनट लेट है, अभी 15 मिनट तक बोर्डिंग होगी और उसके बाद फिर 25 मिनट लेट है। ठीक है, अभी जाते हैं, बोर्डिंग वगैरह कराते हैं 15 मिनट, फिर देखते हैं आगे।
أبدا ولا حبيبك خير الخلق كلي خمي مولاي وصلي وسلم دائما أبدا ولا حبيبك خير الخلق كلي خمي محمد سيد القومين وطاق عليهم محمد سيد القومين وطاق عليهم والفريقين. अच्छा जी सांबा पहुंच चुके हैं. मदीना के एयरपोर्ट इतना मजे का नहीं लगा, उससे अच्छा लाहौर का था. और इस्लामाबाद का भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है. तो एज़ कम्पेयर टू मदीना एंड जद्दा, इस्लामाबाद और लाहौर का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा है. पता नहीं क्यों ना जद्दा का मुझे अच्छा लगा इतना, जो हाजी टर्मिनल है, और ना मदीना का. लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर का उनसे बहुत बेहतर है. और इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट में ट्रक आ रही है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है. और अभी भाई आ रहा है, उसके साथ फिर समझ जाएंगे इंशाल्लाह. ऐसे बात जाकर अपना उसमें قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. अच्छा जी घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग करते हैं पे कदम. मिलते हैं आप लोगों से कोई भी नेक्स्ट व्लॉग में, कोई भी नेक्स्ट सीरीज में. तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखना, मस्त वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये छोटी सी सीरीज़ कैसी लगी. और इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोज़ अगर आएंगी, व्लॉग्स आएंगे, कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ और वीडियोज़ वगैरह डालूँ. उम्मीद है शायद कर लूँ, शायद नहीं. तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखना. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. Till then, take care. Bye bye. See ya. Allah Hafiz. Allah hi Allah kiya karo. Allah hi Allah kiya karo. Dukh na kisi ko diya karo. Dukh na kisi ko diya karo. Dukh na kisi ko diya karo.